तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। औलाद है आप, मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है, आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है, वो जिने गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। कब के बिछड़े हुए हम, हाँ
आके मिले जैसे शम के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले जैसे सावन से कहीं प्यार सी घटा छाके मिले कब के बिछड़े बिछड़े धड़कता है सांस बहकी है प्यार छलता है प्यासी आँखों से सुर्ख होंठों पे आग दहकी है जैसे मैं कश कोई साथी से जगमगा के मिले कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले कब के बिछड़े बिछड़े दिल के तारों को छेड़ जाती है दिल के तारों को छेड़ जाती है यूं दुआ दिल की रंग लाती है यूं दुआ दिल की रंग लाती है बरसों के बेगाने उल्फत के दीवाने अनजाने ऐसे मिले जैसे मन चाही दुआ बरसो आजमा के मिले कब के बिछड़े हुए हम सावन से कहीं प्यार सी
के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे पुराने एक्टर्स और आर्टिस्ट के पुराने गानों की लिस्ट आपको सिर्फ सारेगामा कारवा पर ही मिलेगी, इसीलिए आज इस लिस्ट में से अमित जी, कल्याण जी, आनंद जी और किशोर दा के ट्रायो के गीत मैं आपको सुना रही हूँ। जानते हैं पहले ज़माने में गानों की इंस्पिरेशन कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने एक्टर्स से ले लिया करते थे, यानी कि उस एक्टर की अदाएं कैसी हैं, उस एक्टर का मिजाज कैसा है, उस हिसाब से वो अपने गाने जो है वो ढाल लिया करते थे। और कई बार उल्टा भी होता था, एक्टर्स की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ये फिल्म मेकर्स कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स की पर्सनालिटी देख करके उनके ऊपर भी बेस कर लेते थे। बताती हूँ आपको माजरा क्या है। डॉन फिल्म का अवार्ड विनिंग सॉन्ग तो आपको याद ही होगा, खाई के पान बनारस वाला। क्या आपको पता है इस फिल्म के डायरेक्टर चंद्र भरोट जी को म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी से इसकी इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि वो बहुत सारा पान खाया करते थे, हमेशा ही पान ही चबाते रहते थे और उनके होंठ इसीलिए लाल हो जाते थे। किशोर दा ने असल में ये गाना गाते हुए कुछ 40 पान खाए थे ताकि अमित जी ऑन स्क्रीन जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हों तो उनके लुक को लेकर के जो आवाज़ है किशोर दा की वो मैच हो सके। उसी के साथ दिलचस्प बात यह भी है कि ये गाना जो है वो एक्चुअली अमित जी के लिए बनाया नहीं गया था, बनाया जाने वाला था देवानंद जी की फिल्म बनारसी बाबू के लिए, लेकिन देखिए समय के साथ जो चीज़ जिसकी होनी होती है वो उसी की हो जाती है। एक और कहानी इस गाने के पीछे की ये भी है कि जब कल्याण जी, आनंद जी ने इस गाने के लिए किशोर दा से बात की तो किशोर दा को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे गाने को अपनी आवाज़ कभी भी नहीं दूंगा और इनकार कर दिया। लेकिन फिर कल्याण जी, आनंद जी दोनों ने किशोर दा को आश्वासन दिया, थोड़ा समझाया कि भाई स्थिति के हिसाब से फिल्मों में कई बार अलग अलग किस्म के गाने भी गाने पड़ते हैं और जैसी डिमांड हो तुम्हें वैसे गाने गाने ही पड़ेंगे। किशोर दा ये समझ के कि मेरे सीनियर्स मुझे बोल रहे हैं मान गए। मन उनका फिर भी ज़्यादा था नहीं इस गाने के तरफ, लेकिन फिर भी मान गए। और देखिए इस तरह खाई के पान बनारस वाला गाना बना और किशोर दा सोच भी नहीं सकते थे कि उनके करियर का ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स बन जाएगा। वैसे किशोर दा हमेशा मेलोडियस गाने गाते थे, तो अमित जी के ऑन स्क्रीन टफ कैरेक्टर के गानों को कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया, उनकी आवाज़ कैसे फिट बैठी उन पर, बताऊंगी ये राज कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले चलिए मैं और आप मिल करके सुनते हैं यही अगला सुपरहिट गाना खाई के पान बनारस वाला। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। हाँ
अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा, अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। दा, 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 दा। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को, दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे तो,
दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूं डॉन। दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं डॉन। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वेलकम बैक टू द शो। आज मैं आपको अपने सारेगामा कारवा के 5000 गानों के कलेक्शन में से म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी, सिंगर किशोरदा और एक्टर अमिताभ बच्चन जी के ट्रायो के गाने सुना रही हूँ। वैसे किशोरदा ज़्यादातर राजेश खन्ना जी और देवानंद जी के रोमांटिक मेलोडियस सॉन्ग्स के लिए फेमस थे, लेकिन जब कभी वो हमारे ऑन स्क्रीन एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया करते थे तो ऐसा लगता था जैसे गाना खुद अमित जी ही गा रहे हों। पता है ऐसा क्यों होता था? क्योंकि किशोरदा अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को अमित जी की डीप बैरिटोन वाली आवाज़ में कुछ इस तरह से मॉड्यूलेट कर लेते थे कि सच में लगता था कि अमित जी ही गा रहे हैं। ऐसा कर पाना सिंगर्स के लिए आसान बात नहीं होती है, क्योंकि सिंगर्स भी चाहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल आवाज़ में ही गाएं और उनकी आवाज़ हिट हो, लेकिन एक फिल्म की डिमांड को, एक एक्टर की आवाज़ को समझ पाना और उस तरह से हूबहू गा पाना भी एक अलग ही टैलेंट है। भाई मानना पड़ेगा किशोरदा सच में टैलेंटेड तो काफी थे। चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आपको अमित जी पर फिल्माया गया किशोरदा का वो गाना जिसे कल्याण जी आनंद जी ने एक प्रिय मित्र से प्रेरित होकर कंपोज किया था। बात यह थी कि उनके एक दोस्त, उनके बड़े ही खास मित्र थे जिनका निधन हो गया था। उनके रिश्तेदार जो कि पहले उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे थे, बड़े चिंतित थे उनकी हेल्थ को लेकर के, वो तुरंत उनके अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा करने लग गए और ऐसे बिहेव करने लग गए जैसे चलो अब तो सब खत्म हो गया, अब बस सब काम खत्म, अब घर चलो। ऐसा माहौल देख करके, लोगों का ऐसा रिएक्शन, ऐसा बिहेवियर देख करके कल्याण जी आनंद जी दोनों को ही बहुत बुरा लगा था। और यूं ही बैठे बिठाए वो इनका ये जो दोस्त था, वो इन्हें छोड़ के जो चला गया था, उसके लिए इन्होंने ये गाना बनाया था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इनफैक्ट यही वो गाना है जिसे सुनकर के मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे अमिताभ जी खुद ये गाना गा रहे हों। किशोरदा ने इतनी बखूबी, इतनी अच्छी तरीके से ये गाना गाया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये गाना, और उसी के साथ किशोरदा और अमिताभ बच्चन जी, इनकी जोड़ी जब तक चली तो खूब दूर तक चली, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत हिट गाने सुने इन दोनों के साथ में। लेकिन जब इनकी जोड़ी टूटी तो किशोरदा और अमिताभ बच्चन जी के फैंस की उम्मीदें भी साथ में बिखर गई थी। ऐसा क्या हुआ था कि दोनों की दोस्ती के बीच दरार आ गई थी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं यही गाना, ओ साथी रे। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। ला 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 सा
साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। धड़कन में प्यास तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती भूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने दुनिया को सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है, गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। जानते हैं आप, किशोर कुमार जी ने 1982 से 1987 के बीच में अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने गाना बंद कर दिए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा कुछ किया था जिससे कि किशोर दा बुरा मान गए थे। बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। किशोर दा ने अपनी एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के लिए अमित जी को अप्रोच किया था, कहा था कि तुम बहुत बड़े एक्टर हो, मेरी किसी फिल्म में एक छोटा सा रोल कर दो तो नाम हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन भी है इस फिल्म में। अमिताभ जी के पास उस समय टाइम नहीं था तो उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया, जिसका किशोर दा को बहुत बुरा लगा था। और इसलिए किशोर दा ने कहा कि बस हमारी दोस्ती यहीं तक थी, इसके आगे मैं अमिताभ बच्चन के लिए गाने नहीं गाऊंगा। उस समय अमिताभ जी को लग रहा था कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमित जी के करियर पर इसका असर पड़ा ज़रूर। आई डोंट नो ये इसलिए था क्योंकि गाने इतने हिट नहीं हो रहे थे, या इसलिए था कि किशोर दा अमित जी की ज़िंदगी के लकी चार्म थे। लेकिन आने वाले कई सालों तक अमिताभ बच्चन जी की फिल्में चलना बंद हो गई थी।
फिर कुछ समय के बाद अमिताभ बच्चन जी और किशोर दा की दोस्ती कराई, कुछ म्यूजिक कंपोजर्स के एफर्ट्स लगे और उसके बाद किशोर दा ने फिर से अमित जी के लिए गाने गाना शुरू किया था। वैसे जानते हैं आप, अमित जी ने कई बार ये कहा है कि किशोर दा जो गाने राजेश जी और देवानंद साहब के लिए गाते थे वो उन्हें ज्यादा पसंद आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गाने जो है उनका लेवल ही कुछ और होता था, उच्च कोटि के गाने होते हैं ये, ऐसा खुद अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। अमिताभ जी किशोर दा को लेकर के ये भी कहा करते हैं कि जो इंसानियत, जो जज्बा किशोर दा के अंदर उन्होंने देखा वो आज तक पूरी इंडस्ट्री में उन्होंने किसी के अंदर नहीं देखा। वो कहते हैं कि किशोर दा जाने जाते हैं उनके क्वर्क के लिए, यानी कि किशोर दा कभी भी कुछ भी कर देते थे, कैसे भी बर्ताव करते थे, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि किशोर दा आपकी किसी भी चीज़ के लिए मदद करे तो वो कितने भी बिजी क्यों ना हो आपके लिए समय ज़रूर निकाला करते थे। वैसे कि आप जानते हैं 1978 में अमित जी ने 4 कमर्शियली हिट फिल्म्स दिए थे एक ही साल में, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, डॉन और त्रिशूल, और इन सभी फिल्मों में किशोर दा ने ही अमित जी के सभी गाने गाए थे। तो चलिए इसी बात पर डॉन फिल्म से सुनाते हैं आपको अगला गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। आगे शो पर बताऊंगी कि किशोर दा एक बदतमीजी या एक शैतानी कह लेते हैं, चलिए शैतानी किया करते थे कल्याण जी आनंद जी के साथ। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सुनते रहना पड़ेगा कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तेरे नजर पे,
आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी वक्त, आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। हम तो क्या है ओ, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, बनाकर हमको मिटाता है फिर बनाता है। आदमी टूट के सो बार जुड़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। कब तलक हमसे तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी। गम के दामन में ओ, गम के दामन में कहीं चैन छुपा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ।
आज हम कल्याण जी, आनंद जी, किशोरदा, अमिताभ जी, इन सभी के साथ में बनाए हुए जो गाने हैं वो सुन रहे हैं यहाँ मेरे शो पर, और साथ ही उनकी दोस्ती के कुछ अनसुने किस्से भी सुना रही हूँ मैं आपको। वैसे इन सभी गानों का मजा एक बार फिर से बता दूँ, आप ले रहे हैं मेरे सारेगामा कारमा पर से, और आप भी अपनी पसंद के गाने जब चाहें जहाँ चाहें सुन सकते हैं, इसीलिए ले आइए अपना खुद का सारेगामा कारमा। वैसे क्या आप जानते हैं, जैसा मैं कह रही थी, किशोर जी कल्याण जी आनंद जी के काफ़ी करीब थे और इसीलिए उन्हें अपना समझकर अजीब गजीब तरीके का व्यवहार भी कर लिया करते थे। जैसे कि किसी गाने को गाने के बाद वो स्टूडियो से भाग जाया करते थे, फीडबैक भी मिलने से पहले वो बस स्टूडियो से भाग जाते थे, हेडफोन रख करके बस तुरंत भाग लिए, और वो इसलिए करते थे ताकि उन्हें फिर से पूरा की पूरा गाना ना गाना पड़े। अब आप जानते हैं कि उस समय में बहुत सारे रिकॉर्डिंग की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जैसी अब हैं, यानी कि गायकों को रट्टा मार कर गाना सीखना पड़ता था और उसे एक ही बार में, एक ही टेक में गा देना पड़ता था। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था सिंगर्स के लिए गाने गाना उस समय में, और अगर संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो गाने को फिर से उसी तरह शुरुआत से पूरा की पूरा गाना पड़ता था। लेकिन किशोरदा को ये नामंजूर होता था और वो रिकॉर्डिंग ख़त्म करते ही भाग लेते थे। वैसे लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के बाद किशोरदा ही कल्याण जी, आनंद जी के फेवरेट थे, और पता है किशोरदा जब कोई अवार्ड जीतते थे तो कल्याण जी, आनंद जी के घर पर ही पार्टी थ्रो करते थे। इनफैक्ट किशोरदा ने अपने खुद के घर में एक झूला बनवाया था, क्योंकि कल्याण जी को झूले बहुत पसंद हुआ करते थे और वो प्यार से उन्हें महाराज भी बुलाया करते थे रिस्पेक्ट देने के लिए। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सुनते हैं अमित जी की फिल्म कसौटी से किशोरदा की आवाज़ में ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, ना बस में तुम्हारे ना बस में हमारे, हो जाता है दिल दिल किया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए, किसी को देना पहले सोच लेना फिर दिल किसी को देना, दे दिया जो दिल दिल फिर लिया नहीं जाए, दे दिया जो दिल दिल फिर लिया नहीं जाए। जाए सोच के वो प्यार नहीं होता, किया जाए सोच के वो प्यार नहीं होता, यारी करे सोच के वो यार नहीं होता, सोचने के वास्ते दिमाग भी तो चाहिए, रोशनी के वास्ते चिराग भी तो चाहिए, दिलों के ये फैसले हैं दिल पे छोड़ दीजिए, दिलों के ये फैसले हैं दिल पे छोड़ दीजिए, फिर तो चली मैं सलाम मेरा लीजिए, राम राम कीजिए आराम आप कीजिए, अरे 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 कितने चली हाँ। जुदाई है जहर जहर पिया नहीं जाए, जुदाई है जहर जहर पिया नहीं जाए, हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए। सोचेंगे कहाँ तक जवानी चली जाएगी, जवानी गई तो जिंदगानी चली जाएगी, जिसे प्यार कहते हैं जन्मों का साथ है, जिसे प्यार कहते हैं
है। लुटा दूं सौ सौ जाने, एक जान की क्या बात है। लुटा दूं दो सौ जाने, एक जान की क्या बात है। फिर कुड़ी भी तेरे साथ है तो फिर शुरू हो जा सोनियों। हो जाता है प्यार प्यार, प्यार किया नहीं जाए। हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए। ना बस में तुम्हारे ना बस में हमारे। हो जाता है दिल दिल किया नहीं जाए। हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए। जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है बंबई नगरिया छुटेक बबुआ। है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से, वो देखो दूर दूर से, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दाव लगाने, यहाँ आते हैं दाव लगाने। देश गाँव छोड़ के प्रीत प्यार तोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा, अरे अपना क्या होगा, होगा सो होगा। पासा हमने दिया है एक बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। कोई माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है, जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। शहरों में शहर है शहर बंबई वाह, अरे वाह वाह बंबई वाह। ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बंबई वाह, वारे वारे बंबई वाह। बिन
मन पानी का धोबी तालाब देखो देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो देखो घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो हसीनों से सभी का लगाव देखो कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांध रहा चर्च का गेट है चर्च है लापता चर्च है लापता चर्च है लापता अजब है ये रंग अनोखा है ढंग नई है तरंग नई है उमंग कोई कंजूस है कोई है मलंग मची है यहाँ देखो आपस में जंग हाँ आपस में जंग हाँ आपस में जंग जय घुमा के अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग ये रंग देख के मैं हो गया दंग तो क्या समझे यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ।